हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यूजीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का एक ही सवाल है, क्या यूजी पोस्टपोन्ड होने वाली है, जिसको लेकर एनटीए द्वारा हमारी डेट शीट और एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ नहीं की जा रही है। दोस्तों, क्या यह न्यूज़ जो ग्रुपों के अंदर और जो यह सोशल मीडियाओं पर ट्रेंड कर रहा है, क्या वो रियल है या फेक है? दोस्तों, आप सभी को यह जानने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार आप सभी के डीएम आ रहे हैं कि क्या सर, जो हमारी यूजीसी की जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि आसाम के अंदर जो है बाढ़ आई हुई है, जिसको लेकर अगर वहाँ के उम्मीदवार हैं वह किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को पूरा करेंगे और एग्ज़ाम जाकर जो है कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह सभी बातें जो हैं वो ग्रुपों के अंदर चल रही हैं, और दोस्तों जो उनकी राय है वो बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि दोस्तों एनटीए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर जो उनके एडमिट कार्ड हैं वो 15 डेज पहले जारी कर देता है। पर दोस्तों अभी तक ऑलमोस्ट जो है एनटीए द्वारा आप सभी के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, तो क्या एनटीए के जो डायरेक्टर हैं वनीत जोशी, क्या वो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करने को लेकर हैं कि जिसके वजह से इनकी डेट शीट और जो एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हो रही है? तो दोस्तों जितनी भी आप सभी के डाउट हैं वो आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों साथ ही दोस्तों आप सभी की एडमिट कार्ड को लेकर क्या अपडेट है, डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, साथ ही दोस्तों जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या यह एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, इसकी जो कन्फ्यूज़न है वो सारी कन्फ्यूज़न है आज के इस वीडियो में, वो डाउट है क्लियर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक अपडेट पहले दे देता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों जो आप सभी की जो कन्फ्यूज़न है एडमिट कार्ड को लेकर, कि एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं तो क्या इससे उम्मीदवार माने कि इसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी? क्योंकि दोस्तों जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम अगस्त में पड़ेगा उनके लिए तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट है, पर उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाली है जिनकी एग्ज़ाम जुलाई में है। क्योंकि जो जुलाई में है 8, 9, 11 और 12 को, उसमें उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, यह सवाल है। इन सभी सवालों का आप सभी को उत्तर मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी की एडमिट कार्ड की बात कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं जारी हुए हैं। दोस्तों टुडे न्यूज़ चैनल की तरफ से जो बताया गया था, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर यह जो है पब्लिकली यह अपील किया गया था जो एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि जो यहाँ पर जो है धर्मेंद्र जो हैं उनके तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जी के तरफ से यह अपडेट दिया गया था कि किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ पर पोस्टपोन्ड नहीं किया जाएगा। उनके ये अभियान से काफ़ी उम्मीदवार शॉकिंग हुए थे, क्योंकि जिस तरह का उनका अपडेट आया था इन चीज़ों को लेकर, उससे उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं एडमिट कार्ड के रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों एनटीए दो तरीके में एडमिट कार्ड जारी करता है, चाहे वो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है या एग्ज़ाम से 7 दिनों के अंदर। यानी कि दोस्तों आप सभी की जो एग्ज़ाम अगर 8 तारीख को है तो आप सभी की जो एडमिट कार्ड है वो 1 तारीख के एंड ऑफ द डे में जारी कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर इस पैतरे के अनुसार या इस डेट के अनुसार अगर एनटीए द्वारा एडमिट कार्ड नहीं जारी की जा सकती है, तब यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि एनटीए द्वारा इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करने की कुछ चांसेस वो दिख सकती हैं। साथ ही दोस्तों डेट शीट की बात कर ले, क्योंकि डेट शीट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर जो है बुक्स हैं जिनको लेकर डेट शीट जारी होना है, जिसको लेकर मैं आप सभी को बता दूं कि जो डेट शीट है दोरो, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आप सभी की 30 तारीख को रात के लगभग में मिडनाइट के अंदर डेट शीट को जारी कर दिया जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। पर दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी अभी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है या कोई भी मीडिया रिपोर्ट अनुसार नहीं आ रही है। अब दोस्तों पोस्टपोन्ड की अपडेट को जान लेते हैं, पोस्टपोन्ड को लेकर क्या अपडेट है वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं,
जिस तरह की मांग पीजी को लेकर थी, जिस तरह की मांग यूजी को लेकर थी और जिस तरह की मांग जो है जेई मेंस को लेकर थी, इनकी मांगों को लेकर इनकी यहां पर ट्यूटर कैंपिंग भी चलाए गए जिसमें कि 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस कैंपिंग के अंदर अपनी यूनिटी दिखाई थी। आप यह सोच सकते हैं कि उस यूनिटी के कारण जब पब्लिकली यह प्रधान जी से यह पूछा गया कि क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, तो जो प्रधान यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनके तरफ से यह अपडेट आया था, क्योंकि ऐसी मांगे कॉलेजों स्कूलों में लगातार उम्मीदवार करते हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है और जिन कैंडिडेट की प्रिपरेशन होती है वो इन चीज़ों की मांग नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप यह कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में उन्होंने यह अपडेट दिया था, इससे आप यह सोच सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करने की जो चांसेस हैं बिल्कुल ही आप ना के बराबर ही मानें। यानी कि दोस्तों आप 100% में आप ये मान सकते हैं कि 90% जो एग्ज़ाम है वो आपके निर्धारित समय पर होगी और आप सभी की अगर किस्मत अच्छी रहती है तो यहाँ पर 10% वही चांस है कि आप सभी की एग्ज़ाम जो है इसे पोस्टपोन्ड किया जाएगा। पर दोस्तों यह बिल्कुल ही मान के नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कहीं भी यह अपडेट देखें तो इसको लेकर ऐसा कोई भी न्यूज़ या कोई भी आर्टिकल नहीं है जो यहाँ पर आप सभी को रिवील करे कि इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्टपोन्ड की बिल्कुल ही कम से कम दोस्तों यहाँ पर चांसेस हैं, इसलिए दोस्तों आप पोस्टपोन्ड को लेकर बिल्कुल ही ना चलें। जिनके लिए यहाँ पर जो डेट निर्धारित की गई है उसी डेट पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह अपडेट थी, अगर फिर भी आप सभी की कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, हमारे टीम की तरफ से आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।